ऐसे चार माइक हाथ में लेके खड़ा था मैं सबसे आगे क्या बोला बाबा जी को कोटी कोटी प्रणाम बाबा मेरा ना बाबा इस बाबा ने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तेरी कृपा जाए और अब बाबा जेल में मैं यूं कह रहा हूं कि भाई अभी हम ना पिछवाड़े मंदिर जा रहे हैं मैं और आशीष भाई और हिमांशु भाई मैं चलेगा साथ में कह रहा नहीं मैं नहीं जाता मैं भगवान में मानता नहीं मैं तो बाबा में मानता हूं अपने पानी पे चलते हैं बाबा बोट है हिमांशु भाई एक चीज दिखाऊं क्या लॉरेंस स्पेशल नहीं दिखाऊं तुम्हें क्यों भाई सतेंद्र गलत कह रहा कैमरा भाई आज का जो दिन है वो इतना अच्छा रहा है तो उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आना तो ज़रूरी था यहाँ पर बहुत समय के बाद मतलब आज ऐसा लग रहा है कि 5 साल की मेहनत आज सफल हुई है आज कामयाब हुई है आज कुछ मिला है लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो अपने दम पे किया और कोई छीन नहीं सकता सबसे अच्छी बात यही लगती है भाई इस चीज़ के बारे में अरे मैं बताऊँगा आगे क्या कर लिया ऐसा कुछ लोग कह देंगे ऐसा क्या ही कर लिया दिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है और तेरे लिए कैसा तो खैर आदमी डिप्रेशन है ये तो आदमी भाई 24 घंटे परेशान क्यों रहता भाई तू तो खुशी मना ना देखना कितना अच्छा दिन है आज कितना बढ़िया काम हो गया 5 साल की जो मेहनत थी वो आज कामयाब हो गई ये किसी तरह नहीं मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई डिग्री तो इस चीज़ की खुशी नहीं है तो हमें ये तो बता दूँ ना कि डिग्री कंप्लीट हो गई भाई डिग्री क्या मतलब पूरी LLB कंप्लीट हो गई तेरे को देखो इसको खुशी नहीं है भाई इस आदमी अबे खुशी है भाई कैसी बात कर रहा है कहाँ है खुशी मेरे को तो नहीं दिख रही अंदर है ना अंदर दिल में है खुशी ये कौन सी खुशी भाई जो बाहर नहीं दिख रही और दिल में बता भाई बता क्या? बता भाई बता लोग जानना चाहते हैं रोड पे लेट जाओगे तेरी और भाई पार्टी मना खुशी मना नोट उछाल कुछ तो कर मिठाइयां बांट तू तो खुशी नहीं है मेरी उससे खुश है बहुत खुश अचीवमेंट से जबरदस्ती खुश कर रहा हूँ मंदिर लेगा कह रहा भाई मैं नहीं आता ऐसी जगह क्लब व्लब जाना हो तो मेरे को बुलाया कर ऐसी जगह मैं नहीं जाया करूँगा ऐसा कह रहा बताओ बदतमीज आदमी भाई मंदिर जाना चाहिए आज की जनरेशन मंदिर नहीं जाती उल्टी सीधी जगह जाती जब तो नाश हो रहा है क्या नाश हो रहा है जनरेशन का हमारा नहीं कह रहा जब तो उल्टे सीधे लोग पैदा हो रहे हैं आज के टाइम जा तक लग पागल है क्या ऐसी बातें की बोल रहा है जाया करना फिर देखते हैं बहुत लोग इसको तू बोलेगा क्या पता विश्वास कर ले लोग हाँ भाई ये भी नहीं जाता क्लब सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ के सिर्फ सैटरडे संडे जाता मतलब ठीक है भाई मुझे गलत साबित करने के लिए पैदा हुआ है क्या नहीं नहीं भाई नहीं जाता ये भी नहीं जाता मतलब देखो मेरे बारे में उल्टी चीज सीधी चीजें बोलता रहता है तो मैं लेट आता हूं अब तेरे को सुधार तो नहीं आता तू लेट जल्दी आया तो कोई फोन छीन लेगा तो रोड पे भाई अब तू एक बात बता तेरे को मंदिर जाना किसने सिखाया मैंने सिखाया ना पहले जाता हूं पहले जाता हूं मैंने तो कभी देखा नहीं तेरे हां तेरे को मैं मतलब यहां अटेंडेंस लगा के जाऊं तेरे बता के तो जा बताया तो कर भाई आज मैं यहां गया था सेकंड मंदिर जा रहा हूं आपके पास मतलब ऐसे तो बताता ना लोग इंसान ऐसे तो बताएगा ना कि भाई आज मैं मंदिर गया था यार आज मैं यहां गया था आज मैं वहां गया था ऐसा कभी मैंने सुना ही नहीं तेरे मुंह से कि आज मैं मंदिर गया था झूठा लायर मैंने बताना लायर ऑन फायर किसी को बताओ ना तो वो शो ऑफ लगता है मंदिर जाना शो ऑफ नहीं होता मेरे भाई भक्ति होती है अब उसमें चलेंगे राम मंदिर दूसरे वाले में ठीक है पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आज लोगों के बारे में सबको नहीं बताया जाता भाई सही बात मतलब वो वाला सीन है क्या तेरा दाएं हाथ से करो बाएं को भी पता ना चले हाँ। अच्छे काम ऐसे ही किए जाते हैं नाइस नेकी करो दरिया में डाल नाइस तू भी कूद जाना दरिया नाइस ब्रो नाइस समझदार हो गया लड़का जब से नौकरी करने लगा ना इसके सेंसेस तो खत्म हो गए पर दिमाग आ गया थोड़ा तो तेरे में ऐसा नहीं मतलब सही है समझदार बढ़िया लड़का है ठीक है भाई जाता है और खुद की बाइक भी ले रखी है और क्या क्या घर है खुद का खुद की गाड़ी है और क्या मैट्रिमोनियल मतलब बताऊं ना यार हो सकता है तो क्या पता काम आ जाए तेरे क्या है अब मैं अपने साथी एडवोकेट को और मिल लूं अब तो हम हो गए ना कंप्लीट पूरे तो भाई से और मिल जाओ एक बार आशीष से उसका एडमिट कार्ड खो गया वैसे तो मैंने मेरे को पूरा भरोसा है उस पर कि उसका बढ़िया रिजल्ट आया होगा हो गया होगा वो भी बढ़िया पास वास सारी चीज हो गया होगा हाँ जी भाई साहब हाँ जी भाई साहब हाँ जी चल रहे हो साथ में आ रहे हो ना उधर आ जाओ बैठेंगे अंकल कहेंगे पागल हो गए रोड के बीच में अंकल से कुछ मत ये भाई थोड़ा बदतमीज है अंकलों से ना गाली गलौज कर देता कोई अगर अंकल कुछ बोले तो
तो कोई अंकल अगर इसको देख रहा हो ना आसपास की गली का, तो इसको माफ कर दिया करो, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसा ही है ये, मतलब दिल का साफ है बट। हाँ भाई मुंह में घुसेड़ दे। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर इज बैक, सरदार खान इज बैक भाई, सरदार खान यहीं खोद खोद के कोयला निकाल देगा भाई, प्राइवेसी निकाल दे भाई आप हमारी। ओए तू यहां खोद के कुछ सोना तेल कोयला पोयला कुछ निकाल देना यार, किस काम का इंजीनियर है तू, फिर उसे बेच बेच के अमीर हो जाएंगे, फिर उससे उससे चेन मार्केटिंग करेंगे। कैसा लग रहा वकील साहब? बहुत बढ़िया। एडवोकेट देख लिया रिजल्ट? ओ हाँ, अब तो बन गए वकील साहब। केस करेंगे भाई, कली केस डाल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो जान दे, रहन दे। नहीं कली केस डाल रहे हैं। कली डाल देते हैं। किस पे डालें? इस पे। खोद खोद के कोयला नहीं निकाल रहा हमारे यहाँ से भाई, हमारे अंदर से कोयला निकाल, हमारे मतलब घर के अंदर से, ठीक है? मिंत्रा पे डाल देना। क्या कोयला? कोयला केस तेरे को डाल दूं मिंत्रा, इसको भेज देते हैं मिंत्रा, ओएलएक्स पे डाल देते हैं इसको। ओए अब मिश्रा सुन, गली में कोई भी फालतू बोले सीधा रहपट मारा कर, ठीक है? किसी गैल गुथ जा, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे उसको उसका साथ दे देंगे, उसको देख लेंगे और फिर छोड़ देंगे आगे, तू अपने आप देख ले, कुछ समझदार है तू। ये तो नीचे क्यों बैठ जाता है यार रोज रोज आके, डाउन टू अर्थ है भाई। सुन ना, ये मजाक की बात अलग है, सही बता रहा हूँ क्या, जिस जिससे पंगा नहीं वो भी सही है, खैर जिस जिससे ही पंगा है ना, अब बढ़ चढ़ के लिया कर, क्योंकि अब हमारा तो कोर्ट आना जाना लगा ही रहा करेगा, हम अपने आप संभाल लेंगे। मैं भाई पंगा लेने में विश्वास नहीं रखता, सीधा मर्डर। तो किस चीज में विश्वास रखता तू? सीधा मर्डर कर देता हूं मैं। धन-धन सतगुरु में फिर बचा देना मुझे फिर तो बचा ही लेंगे, फिर तो भाई तुम सिंगल हैंडेडली बचा लोगे। धन-धन सतगुरु में आसरा, उसमें विश्वास रखता है क्या तू? हां भाई वो भी दोयल का फैन है। अरे उसके यहाँ जाता हूँ मैं, निर्मल बाबा नहीं है वो वो जो कहते हैं गोलगप्पे किधर से आ रहे हैं वो वाले बाबा पास जाता है। उन्होंने मुझे बोला कोल्ड 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक खरीदो और फ्रिज में रख दो, और आ जाएगी। एक बार इसको बोला कि एक बार में पी जाओ है, और फिर तू पी गया, उसके बाद से ऐसा हो गया। उसके बाद ही तो मैंने बाइक ली, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी के बाइक आई है क्या तेरी? भाई देखो बाबाओं पे विश्वास करना चाहिए, अगर कोई सोचता है ना बाबा खराब होते हैं तो गलत सोचता है, लाइव एग्जांपल देख लो तुम्हारे सामने, भाई ने बाबा पे विश्वास करा, आज भाई के पास बाइक है। सॉरी वो तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से आई है ना। अब अगर से तो मर्सिडीज आती है। ओए अब अगर बाबा जेल में चला गया, हाँ, क्योंकि बाबा ने तो कांड तो कर ही रखे होंगे, हाँ, फिर क्या? मैं तो अंधा भक्त हूँ ना भाई, देख रहे हो, मतलब ऐसे भक्त बनोगे तो फल जरूर मिले, अवश्य मिलेगा। क्यों भैया जी मैं गलत कह रहा हूँ? देखो आज कितना कामयाब है, इसको ऑफिस देख लो, इसका ऑफिस देख लो कितना कामयाब है, मस्त ऑफिस में बैठा है, बड़े-बड़े ऑफिस को 500 का ऑफिस खोल रखा भाई ने, देख लो। अरे भैया आपको ऑफिस है, हम कैसे? हम तो तेरे सेक्रेटरी है ना, हमें सैलरी कब देगा भाई? हमें सैलरी नहीं देता, ये बाबाओं से ये चीजें सीख के आए, दूसरों का हक मारना, ठीक है भाई? अच्छी बात नहीं है, हमारा हक मार के लिए क्या तूने? और क्या, चलो तो भाई इसकी बाइक मार लेते हैं हम, ठीक है? इसकी बाइक खोज लेते हैं, चल ठीक है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है भाई, तू बाबाओं का भरोसा रखता है। एक तो अंगूठी भी पहनता क्या तू बाबा के नाम की? हाँ। पत्थरों वाली, वो नीले से पत्थर, नीले पत्थर वाली, लाल पत्थर वाली। नहीं सही है, देखो आप अपना अपना विश्वास होता है, मैं इस चीज में देखो अपनी अपनी प्रेफरेंस है ब्रदर, मैं इसमें वो नहीं कहना चाहूंगा कि भाई तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम सही हो। गलत तो जैसे आसाराम को फॉलो करता है, आसाराम को तो भक्त है, फैन है, कह रहा आसाराम जैसा तो मैं बनना चाहता हूँ। नहीं ये क्यों कटेगी, कटती है वो चीजें, जब तुम किसी ऐसे वैसे इंसान का नाम ले लेते हो, वो काटनी जरूरी, ये क्यों कटेगी भाई? वो तेरे बाबा पानी पे चलते हैं ना, जिस बाबा में भरोसा रखता हूँ बाबा पानी पे चलते हैं, बाबा बोट हैं। बाबा के पास 2000 करोड़ रुपए भी हैं। बाबा के पास 2000 करोड़ रुपए भाई, थोड़े से दिलवा दे आऊंगा। बाबा आदमी को वो बना देते हैं चिंपैंजी। क्यों भाई गलत कह रहा हूँ? क्यों भाई गलत कह रहा हूँ? इसके बाबा सारे उल्टे कर्म करते हैं बाबा। बाबा के पास वो भी है क्या? हूरे हैं भाई, वो तो बाबा से पूछना पड़ेगा। हूरे नहीं है, होरे हैं, होरे। बाबा से पूछ लेना, एक आधी हूर दे दे हमें भी, दे दे एक आधी हूर। वो तो बाबा की पर्सनल है ना। देख रहा इसको बाबा की तो सब पता है, ये भी तो बाबा के साथ ही दूसरा बाबा है। अभी ये यूनि में एक है, अभी जाएगा लत्ते लुत्ते बदलेगा बाबा बन जाएगा। ना ना ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं यूं कह रहा हूँ कि भाई अभी हम ना पिछवाड़े मंदिर जा रहे हैं, मैं और आशीष भाई और हिमांशु भाई, मैं चलेगा साथ में? कह रहा नहीं मैं नहीं जाता, मैं भगवान में मानता नहीं, मैं तो बाबा में मानता हूँ अपने में। बाबा भंचूड़ी वाला इसका फेवरेट बाबा है भाई, मानता ना तू बाबा में?
भाई देख लो ये बाबाओं में मानता है, भगवान में नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ अजय मंदिर चलेंगे। कह रहे नहीं नहीं मेरे बाबा ने कहा है, मेरे बाबा ने कहा है जप नाम। कह रहा मेरे आश्रम में रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और प्यार पाऊंगा। कह रहा भगवान तो मैं ही हूँ। और धीरे धीरे इसको भी गुरु जी का प्यार मिलने लग जाए। भाई एक चीज़ तो है, समझदार बच्चे समित बच्चे किसी के समझदार होते ही पागल ही पैदा हो रहे हैं सबके। एक से एक मांझी भाई एक चीज़ दिखाऊँ क्या? लॉरेंस बिश्नोई दिखाऊँ तुम्हें? मैं कह रहा पीछे पीछे से दिख रहा, आगे से दिख ही नहीं रहा। मैं किसको आगे से दिखा दो एक बार, अब दिख गया। पाशा भाई, पाशा भाई जेल से कब आए? भाई कोई बात नहीं, भाई कोई बात नहीं, फिर क्या ले रहा है? वो तो वैसे भी नहीं आता, मैं फोन तो पूरे दिन नहीं उठाता। फोन तो पूरे दिन करता कहाँ है? जब भी करता हूँ, जब कौन सा उठा लेता तू? अब मैं सो रहा हूँ तब तू फोन करेगा तो कैसे? तो तू दिन में सोता है? पूरे दिन सोता है तू? 11 बजे ये सब उन बाबाओं से जो सीख के, जो तांत्रिकों से जो सीख रहा है ना ये? बाबा की सेवा करता है। हाँ भाई बोला है 1 बजे तक सोओगे तभी कृपा आएगी रोज। अच्छा वो बाबा वो जो कहते हैं ये गोलगप्पे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ। वो वाले बाबा? हाँ। उन्होंने बोला 9 बजे तक, तो इसने बोला 9 बजे तक, 1 बजे तक कर दो कृपा, वहीं अटक रही है। ऐसा हुआ था क्या? ऐसे ही हुआ था। या, ये ऐसे चार माइक हाथ में लेके खड़ा था मैं सबसे आगे। क्या बोला बाबा जी को? कोटी कोटी प्रणाम। बाबा मेरा ना बाबा, कृपा न्यारी बाबा, क्या करूँ बाबा? बाबा कह रहा मत जा, भूल जा मेरे। बाबा कह रहा तेरी कृपा लाने के चक्कर में मेरी चली जाएगी। इस बाबा ने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तेरी कृपा आ जाए, और अब बाबा जेल में। बाबा खुद नहीं दिखते अब कहाँ गए? बाबा रामदेव तो खुले घूम रहे हैं। बाबा रामदेव की थोड़ी बात चल रही है यार, तो अंत में बाबा है भाई। बाबा रामदेव तो तेरे को योगा सिखाते हैं ना? बाबा रामदेव मोदी को पतंजलि योग पीठ गया था मैं हरिद्वार में। कौन सी योग पीठ? पतंजलि योग पीठ। पतली योग पीठ गया था मैं। पिटता तो रहता है यही जगह जगह। पतली योग पीठ, मोटी योग पीठ, क्या तू यार लोगों को पतला मोटा बॉडी शेम करता है तू बाबा की? उसको बाबा को बॉडी शेम भाई स्ट्राइक आएगी इस पे। बाबा के भक्त आ गए ना यहाँ पागल है, त्रिशूल दे देंगे तेरे अंदर।